नंबर वन, क्यूरा हैमॉक क्यूला। दोस्तों, कैंपिंग के दौरान कंफर्ट काफी मायने रखता है और जनरली ये चीज पॉसिबल भी नहीं हो पाती, क्योंकि जब आप घर के बाहर होते हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्ट थोड़ा सा भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कैंपिंग के दौरान अपने कंफर्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस तरीके के एक गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ये एक तरीके की टेंट बेडिंग्स होती हैं, जिन्हें कि आप दो पेड़ों के बीच में बांधकर आराम से उसमें सो सकते हैं। इन बेडिंग्स का मटेरियल काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और साथ ही वेदर रेजिस्टेंट भी, जिस पर पानी और बर्फ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी एक टेंट लगा सकते हैं, जो कि आपको एडिशनल सिक्योरिटी देता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप सिर्फ आराम करना चाहते हैं तो ये बेडिंग्स आपको काफी पसंद आने वाली हैं। तो एक तरीके का छोटा सा मिनी टेंट हो जाता है, जिसमें कि आप आराम भी कर सकते हैं और साथ ही आपको कंफर्टेबल भी फील होगा। नंबर सेकंड, नेमो रिक्लाइनिंग चेयर। दोस्तों, अगर आप अपना कैंप में टेंट वगैरह लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाहर टाइम स्पेंड करने के लिए एक चेयर की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि आप इजीली बैठकर रिलैक्स कर सके थोड़ी देर। तो इसके लिए अगर आप कैंपिंग में रखना चाहते हैं अपने साथ एक ऐसी रिक्लाइनिंग चेयर जो कि आपको नेक्स्ट लेवल का कम्फर्ट फील कराए, साथ ही साइज में बेहद छोटी हो, तो ये चीज काफी कमाल की रहेगी। दोस्तों, इसकी खास बात ये रहती है कि ये साइज में इतनी ज्यादा छोटी रहेगी कि लगभग इसका साइज एक बॉटल के बराबर होगा, लेकिन जहां चाहें आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और इसे एक चेयर का रूप दे सकेंगे। साथ ही बैठने के दौरान अगर आप इसमें हल्का फुल्का पीछे झुक भी जाते हैं तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसकी रॉड्स फ्लेक्सिबल रहती हैं और इसे रिक्लाइनिंग कंफर्ट के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके से आप इस चेयर को हमेशा अपने किसी भी ट्रिप में साथ रख सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस तरीके की चेयर का इस्तेमाल एक जगह पर और किया जा सकता है, जैसे कि अगर आपको ट्रेन में सीट न मिल रही हो तो आप फौरन इस चेयर को इंस्टॉल करके वहां पर भी बैठकर सफर का मजा ले सकते हैं। ये चीज मुझे लगता है इंडिया के अंदर काफी पॉपुलर होने वाली है आगे आने वाले समय में, जिसे कि आप भी एक बार यकीनन इस्तेमाल करना चाहेंगे। नंबर थर्ड, कैंपेनियन इमरजेंसी सर्वाइवल सिस्टम। दोस्तों, बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कैंपिंग के दौरान कि आखिर किस तरीके के बैकपैक का इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा बैकपैक दिखाने वाला हूं जो कि खास तौर पर कैंपिंग के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्मल बैकपैक की, तो वहां पर आपको कोई स्पेशलाइज स्पेस नहीं दे रखा होता है चीज और सामान को रखने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस बैकपैक की अगर बात करी जाए तो दोस्तों, कैंपिंग से जुड़े हर सामान को रखने के लिए यहां पर आपको एक अलग सेक्शन दे रखा होगा। यहां तक कि फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर मोबाइल फोन तक को रखने के लिए यहां पर आपको अलग अलग पॉकेट्स देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आप अपनी जरूरत का सामान रख सकते हैं और ये बेहद इजी एक्सेस रहता है इसे ओपन करना और इसे सामान निकालना। तो ये चीज इस बैग को कहीं ना कहीं खास तो बनाती ही है। साथ ही दोस्तों, ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ और फायर रेजिस्टेंट भी होता है, जिससे कि कैंपिंग के दौरान किसी भी तरीके की सिचुएशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इमरजेंसी कंडीशन के लिए यहां पर आपको फोन चार्जर और रेडियो की सुविधा भी दे रखी है इस बैकपैक में। साथ ही इसकी किट में आपको बहुत सारे टूल्स भी देखने को मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमाल का रहता है ये बैकपैक जो कि खास तौर पर बनाया गया है कैंपिंग के लिए। नंबर फोर, टाइटन सर्वाइवर स्टील फेरो रॉड। दोस्तों, अगर आप कैंपिंग करते समय रात में स्टे करते हैं तो आपको हल्की फुल्की आग जलानी पड़ती है आसपास। लेकिन दोस्तों, अगर वेदर अच्छा ना हो तो ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि बहुत से लोग लाइटर वगैरह लेकर कैरी करते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि लाइटर और मैच बॉक्स काम नहीं आते। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि एक ऐसी रॉड होती है जिसे कि अगर आप लोहे के साथ रगड़ेंगे तो इसमें चिंगारी निकलती है, जिससे कि आग को इजीली जलाया जा सकता है। इसे खास तौर पर आग जलाने के लिए ही बनाया गया है। इसके साथ आपको एक छोटा सा ग्रिप हैंडल रखा होगा। वहीं दोस्तों, इस ग्रिप हैंडल में लगी होती है एक हाई डेसिबल वाली विसल, जिसका इस्तेमाल आप लोगों को सिग्नल देने के लिए या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में कर सकेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो साइज में ये बेहद छोटा सा गैजेट होता है, जिसे कि आप अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं कैंपिंग के दौरान। नंबर 5, लाइफ टेंट सर्वाइवल शेल्टर। दोस्तों, अगर आप कैंपिंग पर जा रहे हैं तो अपने साथ टेंट जरूर से ले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे टेंट मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जिन्हें की लगाना बहुत मुश्किल भरा होता है और कहीं ना कहीं वो वेदर रेजिस्टेंट भी नहीं होते। यानी कि अगर काफी तेजी से पानी बरस जाए या फिर बर्फ पड़ने लगे तो कहीं ना कहीं आपको टेंट के अंदर ये सारी चीजें फील होंगी। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के टेंट को, जो कि कैंपिंग में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। सबसे पहले बात करी जाए इस टेंट के साइज की, तो ये साइज में बेहद छोटा होता है। इसे रोल करके आप इजिली अपने बैकपैक में लेकर कैरी कर सकेंगे। इसके साथ आपको एक नायलॉन रोप देखने को मिल जाती है, जिन्हें कि दो पेड़ों के बीच में आपको बांधना होगा, जिससे कि आप टेंट को इजीली सेटअप कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस टेंट के अंदर का हिस्सा हीट रिपेलेंट होता है, जिससे कि टेंट के अंदर की गर्माहट को अंदर ही रहने देता है और बाहर के मौसम का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज बेहद कमाल की होती है। इमरजेंसी सिचुएशंस में आप इस तरीके के टेंट का इस्तेमाल आप एक स्लीपिंग बैग के तौर पर भी कर सकेंगे। तो कमाल का रहता है ये टेंट, जो कि कैंपिंग की फीलिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है।